को डिस्कस दिस विथ द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केस लॉ. फिर से बोल देते हैं, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बाय द सुप्रीम कोर्ट. डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केस लॉ. भारतीय संविधान का वर्तमान कानून व्यवस्था में पर्यावरण समस्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बनाया गया कानून इसका संवैधानिकरण कर देता है. वर्तमान संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पर्यावरण समस्या को लेकर बनाया गया कानून इसका संवैधानिकरण कर देता है. ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा कीजिए. ये 2022 का क्वेश्चन है यूपीएससी का मेंस, और ये मौलिक अधिकार पर कंसंट्रेशन है क्वेश्चन का, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ कोरिलेशन बैठाया है क्वेश्चन कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन. क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका संवैधानिकरण हुआ है, तो ये और संवैधानिकरण क्या चीज का हुआ, तो बोलता है कि पर्यावरण से जुड़े हुए समस्या को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है, इसलिए बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केस लॉ आप इस पर चर्चा करें. ये तो पहला क्वेश्चन ये है. एक क्वेश्चन इसी प्रकार का और है, उसको भी आप साथ में नोट डाउन करेंगे. ये तो कल वाली क्लास का है, फेडरलिज्म से संबंधित 4-5 क्वेश्चन भी था. ये वाला क्वेश्चन लिखे कि ये जो क्वेश्चन है, देखिए 2015 यूपीएससी, 18 यूपीएससी और बीपीएससी मेंस 19 पे ये आया हुआ है. ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही है 2022 में जो पूछा है. डज द राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, डज द राइट टू क्लीन एनवायरमेंट इंटेल लीगल रेगुलेशंस, इंटेल लीगल रेगुलेशंस ऑन बर्निंग क्रैकर्स. ठीक है, ड्यूरिंग दिवाली डिस्कस इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जजमेंट ऑफ एपेक्स कोर्ट, डिस्कस इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जजमेंट ऑफ एपेक्स कोर्ट. हिंदी में लिखेंगे कि दिवाली के दौरान फटाका का प्रयोग क्या पर्यावरण के बेहतरीकरण के लिए कानूनी रूप से जरूरी नहीं है. अनुच्छेद 21 के दायरे में अनुच्छेद 21 के दायरे में यह बताएं कि संविधान कितना इसे महत्व देता है और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर क्या फैसला दिया. क्वेश्चन ये बोल रहा है, दिवाली को लेकर अभी भी जजमेंट आया है एक दिन पहले, हर साल दीपावली के समय आते रहता है जजमेंट, कि क्या दीपावली पर जो बर्निंग ऑफ क्रैकर्स है क्या उससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और क्या आर्टिकल 21 ये कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है. ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू थिंक आर्टिकल 21
वायलेट्स उसके संदर्भ में बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चन में समानता क्या नजर आ रहा है? देखिए यहां पर भी क्लीन एनवायरमेंट के लिए बात हो रही है, और ये जो 2022 वाला प्रश्न है इसमें भी आप देखेंगे तो इसी पर बात किया गया है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया, भारत का जो वर्तमान कानून है वह संवैधानिकरण हुआ है, और इसमें जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बाय द सुप्रीम कोर्ट है इसको डिस्कस करने के लिए बोल रहा है कि इसको संवैधानिकरण कैसे हुआ, किसकी जजमेंट में हुआ। तो इसमें ये क्वेश्चन पे थोड़े से जजमेंट, इसके आंसर में बहुत सारे जजमेंट भी दिए हुए हैं, लेकिन आर्टिकल 21 यहाँ पर भी देखिए इसी पर फोकस किया गया इसके आंसर में आर्टिकल 21 में। और जो पहले वाला क्वेश्चन है जो दो बार पहले भी पूछा जा चुका है इसमें भी देखिए आर्टिकल 21 बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो इसमें एक साइड है फंडामेंटल राइट ऑफ पीपल और दूसरे साइड में बोल रहा है हमारा कल्चर और तीसरे साइड में बोल रहा है डायरेक्टिव और चौथे साइड में बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन ये सबको मिलाकर के पूछा जाए कैसे आपके मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, ये मौलिक अधिकारों पर पहला बातचीत कर रहा है और क्या हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हम धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग खुद से करें। जैसे हम लोग दीपावली में क्रैकर्स का यूज कर रहे हैं या बलि प्रथा जो होता है अलग अलग धर्म में हम उसको इंजॉय कर रहे हैं, तो कल्चरल या फिर बुल फाइटिंग हो रहा है, जलीकट्टू दौड़ हो रहा है, तो हम अपना परंपरा, इसमें कल्चर और परंपरा की जब बात है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी क्वेश्चन हो तो कल्चर कस्टम्स पर सुप्रीम कोर्ट आपको खुद सॉल्यूशन करने के लिए बोलता है, यहां पर हार्ड रूल पास नहीं करता सर्वोच्च न्यायालय, वो बोलता है कि परंपरा के मैटर पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप स्वयं से तय कीजिए क्या सही है क्या गलत। तो परंपरा वाला मैटर जहां तक अब बात उठता है डायरेक्टिव वर्सेस फंडामेंटल राइट कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 48 क्या है बताइए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, और आर्टिकल नंबर 47 क्या बोलता है, पोषण का ध्यान, आप सभी लोगों का स्वस्थ और पोषण का ध्यान रखें। आर्टिकल नंबर 49 क्या बोलता है, तो ये डायरेक्टिव में रख दिया गया, इसलिए रख दिया गया कि हमारी सोच विकसित हो जाए और जब सोच विकसित होगी तो हम निश्चित रूप से इसके बारे में बात करेंगे सोचेंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखिए आज ताजमहल को प्रोटेक्शन मिल रहा है, मथुरा के ऑयल रिफाइनरी को बैन किया जा रहा है, आप स्वच्छ भारत मिशन जो हमारा चल रहा है, नदी साफ हो रहा है, गंगा को साफ करने की जो योजना चल रही है, जो शौचालय योजना चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आप ये देखेंगे कि भारत को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के द्वारा में आगे बढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको नहीं। अब इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट डायरेक्ट क्या पूछ रहा है कि एनवायरमेंट को लेकर के चर्चा करें, पर्यावरण को बचाना क्यों जरूरी, और फिर आर्टिकल 21 ये भी दोनों क्वेश्चन 2022 वाला, 2015 और 2018 वाला और फिर बीपीएससी वाला सारे का देखिए एक ही चीज पूछ रहा है कि पर्यावरण को क्लीन करना, जो सर्वोच्च न्यायालय ने हाल के वर्षों में कहा है, तो क्या ये जस्टिसेबल है, क्या ये जरूरी है, ये चीज पूछा था। तो चलिए सबसे पहले इसका उत्तर लिखना है और लिखे
पहले इसका आंसर लिखेंगे तो 2022 वाले पे चलेंगे। लिखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और संविधान के द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकार को संरक्षित किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट ऑफ पीपल इज प्रोटेक्टेड। As we know, rights are not absolute. जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकार संपूर्ण नहीं होता। So what is the meaning of absolute? Rights संपूर्ण नहीं है, आपके अधिकार संपूर्ण नहीं है। मतलब क्या हुआ कि आपके अधिकार, आपकी आपकी स्वतंत्रता क्या हुआ? आपका फ्रीडम क्या है? वेयर लॉ लीव्स यू फ्री। आपको जितना स्वतंत्रता कानून ने दिया है उतने ना स्वतंत्र आप हैं। अगर आप जोर जोर से माइक लेकर के 10-15 डीजे लगा करके गाना सुनिएगा के लिए तो स्वतंत्रता आपको है नहीं। सारी स्वतंत्रता पर बैन लगा हुआ क्योंकि आपकी स्वतंत्रता का दायरा बना दिया गया है, इससे ज्यादा यूज नहीं। अगर आज आप देखते होंगे ये हेट स्पीच पर भी कानून है कि आप किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो कानून उसका काम करेगा। तो यहां पर आर्टिकल 21 में हम लोग चल रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है, मतलब आपको संपूर्ण अधिकार नहीं मिला है। लिखिए बट आर्टिकल 21 एंड इट्स नेचर is more positive in the category of fundamental rights. Article 21 and its nature is more positive in the category of fundamental rights. Lekin anuchhed 21 ye batata hai ki maulik adhikar को अधिकांश मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है। इट कैन बी यूज, ये बोल रहा हूं मैक्सिमम। लिखिए अनुच्छेद 21 में दिया गया जीवन की स्वतंत्रता और जिंदा रहने की स्वतंत्रता को आपातकाल में भी छीना नहीं जा सकता। The right which is given in Article 21 not abridged by any person even during emergency, तो ये आर्टिकल 21 जो है ये बोल रहा है कि हम इमरजेंसी के समय में भी इसको छीन नहीं सकते हैं आप, ये इतना इंपॉर्टेंट राइट है। आप आर्टिकल 21 उसके बाद आप यहां पर पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और ये लिखिए कि और एक चार्ट भी बना करके लिख सकते हैं कि आर्टिकल 21 जो है आपको क्या क्या चीज दे रहा है। जहां पर ये बोल रहा है कि डर द राइट टू क्लीन एनवायरमेंट इंटेल लीगल रेगुलेशन ऑफ बर्निंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली डिस्कस इन द light of article 21 of the constitution and judgment of apex court। question kya bolta hai, question ka meaning kya nikal raha hai bataiye।
दिवाली के दौरान क्रैकर्स का यूज करने से पर्यावरण क्या होता है? प्रदूषित हो रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या ये आपका फंडामेंटल राइट है और क्या क्लीन एनवायरमेंट में एक बात है? पर्यावरण को क्लीन रखने में क्या क्रैकर्स का प्रयोग एक बाधा है? आर्टिकल 21 के परिप्रेक्ष्य में आपको इसका व्याख्या करें। तो आपको पता है कि आर्टिकल 21 हर किसी को जिंदा रहने का अधिकार दे रहा है, हर किसी को, लेकिन उसमें कई चीजें छूट। तो आर्टिकल 21 में आप लिखे, सबसे पहला आर्टिकल 21 में है क्या? तो राइट टू लाइफ लिखिए एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द सिटीजन। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द सिटीजन। तो पहला तो आपको ये बोल रहा है राइट टू लाइफ, और दूसरा बोलता है कि सर्वाइवल ऑफ एनिमल भी बोल रहा है। आर्टिकल 21 की एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल, आर्टिकल 21 उसको भी अधिकार दे रहा है कि किसी भी जानवर को आप एक्सटिंक्ट नहीं कर सकते। पूरे पृथ्वी के सारे सांप को मार देंगे, सारे चूहा को मार देंगे, सारे पक्षी को मार देंगे, ये एक्सटिंक्ट नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर बोल रहा है कि एनिमल का एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल इट इज ऑल्सो गिवन। तीसरा लिखेंगे ह्यूमन डिग्निटी एंड मीनिंगफुल लाइफ। डिग्निटी एंड मीनिंगफुल लाइफ मतलब व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और जीवन जीने का मकसद, ये भी आर्टिकल 21 में है। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा आपकी और जीवन जीने का मकसद। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला है कि आपका प्राइवेट जीवन, राइट टू लिव इन प्राइवेसी, ये आपके आर्टिकल 21 में आते हैं, प्राइवेट जीवन जीने का अधिकार। हर व्यक्ति को अपना निजी जीवन जीने का अधिकार है। उसको आप जैसे कोई देखिएगा फिल्मी कोई जो कलाकार है, कोई नेता है, अपनी लाइफ जीने के लिए सपोज कीजिए वो मनाली चले गए, दार्जिलिंग चले गए, सिंगापुर में है, तो मीडिया वाले जब उनको बहुत परेशान करते हैं, उन्हें नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके व्यक्तिगत जीवन एक पार्ट है आर्टिकल 21 नेचुरल जस्टिस का। तो प्राइवेसी और डिलेइंग जस्टिस, आपको पता होगा हाल में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा था डिलेइंग इन जस्टिस इज जस्टिस मतलब न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। तो डिलेइंग इन जस्टिस इज नॉट अ जस्टिस, ये भी आपका आपका अधिकार है कि अगर आपके खिलाफ सरकार ने या प्रशासन ने कोई कार्रवाई करने के लिए बोला है तो जस्टिस में देरी नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 21 ये भी अधिकार दे रहा है। इसके अलावा लिखिए वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन शुड नॉट बी फोर्सफुल। देखिए आपको जबरदस्ती वैक्सीनेशन नहीं करा सकते। आपको याद होगा कि कोरोना काल में केस हुआ था इसका, कि अगर अगर ये कैसे तय करेंगे इसके लिए क्या सर्टिफिकेट है कि कोई व्यक्ति की इम्यूनिटी कितनी है, हम जबरदस्ती बोलेंगे नहीं ड्रॉप पीना ही पड़ेगा, तो हम कैसे चेक किए कि आपकी इम्यूनिटी क्या है? लॉजिकल सोचिए, ठीक है आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लेना जरूरी है तो आप ले रहे हैं, आपको खुद महसूस हो रहा है कि हमको, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है सरकार के पास कि वैक्सीनेशन कराने वाला कोई आदमी डेथ नहीं किया। तो आप जब कोर्ट में जाते हैं तो देखिएगा वैक्सीनेशन एक प्रकार का आपका शरीर का भंगीकरण हो गया ना। हम अच्छा हो सकता है कि जबरदस्ती हम ऐसा दवाई दे दे रहे
जिससे आपको बहुत सुस्ती आ जाए, तो हम कैसे तय करें? बहुत से लोगों ने कंप्लेन किया कि वैक्सीनेशन लेने के बाद उनका हार्ट बीट तेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, बहुत सारी ऐसी केसेज आ गई, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फिजिकल इंटीग्रिटी है नहीं, ये जो वैक्सीनेशन वाला मामला है दैट इज योर फिजिकल इंटीग्रिटी, उसको लिख ले ब्रैकेट, आपका व्यक्तिगत अखंडता। जबरदस्ती इंजेक्शन देना ये फिजिकल इंटीग्रिटी है, वो नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 21 बोलता है कि ये जरूरी नहीं कि जबरदस्ती वैक्सीनेशन कराए। मॉब लिचिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम द मॉब लिचिंग, ये सरकार का दायित्व भी आर्टिकल 21 बता रहा। मृत्यु के बाद भी गरिमामय जीवन का अधिकार, मतलब डिग्निटी इवन आफ्टर डेथ, इसका क्या मीनिंग हुआ? मरने के बाद आपके क्या अधिकार है? डेड बॉडी के साथ उसके साथ छेड़छाड़ नहीं, जैसे अगर कब्र में भी किसी को दफनाया गया है, ये किसी को जो उसकी अंतिम, अब होता है कि कोई डेथ कर गया, उसका लावारिस लाश है, कोई नहीं है, लाश उठाया नदी में फेंक दिया, तो वो बोल रहा है, हमारा संविधान बोल रहा है कि आप डेड बॉडी के साथ भी, उसका भी फंडामेंटल राइट थी कि संविधान ने दिया है। लेकिन नहीं, ये चीज तो, लेकिन सरकार कहां गठा, कोई गवर्नमेंट कोर्ट में जाके कहां इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ हम लोग ऐसा किए हैं? गवर्नमेंट तो नहीं बोल रहा है। कोरोना काल में लोग डेथ के, सबको पता है, अगर आप मृत्यु के बाद किसी मुस्लिम के शव को जला देते हैं तो उसकी, ये जो अभी हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं कि आफ्टर डेथ देयर मस्ट बी डिग्निटी, गरिमा होनी चाहिए, मृत्यु के बाद भी गरिमा जरूरी है। या कोई हिंदू के शव को आप दफना देते हैं तो उसकी संस्कृति कल्चर तो डिस्ट्रॉय हो गया ना, वो व्यक्ति तो पूरा जीवन जिया इसलिए कि उसके शव को बाद में जलाया जाए, तो आप अपनी संस्कृति के अनुसार इतने दिन से फीलिंग्स रखे थे, तो आप कुछ भी तर्क दे दें कि शरीर में आत्मा होता है, शरीर का क्या वैल्यू है, लेकिन हमारा संविधान बोलता है कि व्यक्ति को मरने का भी, और इसके चलते केस भी हुआ था, ये जो यूथेनेशिया बोलते हैं जो बेहोश किया जाता है, एनेस्थेसिया, तो उसके उसके द्वारा भी किसी को मौत नहीं दे सकते। आप देखते होंगे कि देखिए, अब आप ये तर्क नहीं दे सकते ना, देखिए एक्सीडेंट में इतना लोग मर जाता है, ट्रेन एक्सीडेंट में मर गया, नदी में बह गया, आपातकाल जो नेचुरल हैजर्ड्स होते हैं, भूकंप में इतने लोग मर जाते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं, तो एक आदमी को अगर मान लीजिए कि अपना जीवन से प्यार नहीं है और वो मरना चाहता है, तो एनेस्थीसिया ज्यादा दे दिया जाए तो व्यक्ति को वो आसानी से मर जाए। लेकिन हमारा संविधान बोलता है कि आप एक संसाधन है, आज एचआर होता है, एमबीए में होता है एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब आपके बॉडी से ज्यादा ब्रेन का कीमत होता है, तो आपका ब्रेन कुछ भी कर सकता है। आप सरकार के एक बहुत बड़े धरोहर हैं, हो सकता है कि आप 2,000 करोड़ रुपया कमाने वाले बिजनेसमैन बन जाएंगे भविष्य में, तो सरकार को कितना बेनिफिट होगा, कितना इनकम टैक्स आप दीजिएगा, कितने लोगों को रोजगार दीजिएगा, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइएगा देश में। इसलिए सुसाइड इज ए पनिशेबल क्राइम, आप सुसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जीवन, आप एक रिसोर्सेज जो है, जो संसाधन आप है, ये संसाधन भारत सरकार की, राष्ट्र की आप भी संपत्ति है, आप भी एक राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका है, आपके ब्रेन की, आप ही जैसा कोई ब्रेन वाले कोई बच्चा आगे चल करके मंगल ग्रह में जाने का रास्ता खोज देगा, कोई वहां पर कॉलोनी बसाने का जो अमेरिका में आज लोग कर रहे हैं, कोई आप में से जुपिटर ग्रह, अगर पृथ्वी में जगह कम हो जाए
तो इन फ्यूचर में लोग कहाँ जाए? जैसे नीदरलैंड देश का नाम सुने हैं, नीदरलैंड जिसको हॉलैंड बोला है, वो एक मात्र ऐसा देश है जीके में क्वेश्चन आता है पोल्डर लैंड। ये पोल्डर लैंड क्या होता है, ये इसको बोलते हैं ड्राई सी। मतलब वो लोग क्या करते हैं, उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसके पास जमीन कम है, तो आप दूसरा देश का जमीन लीजिएगा तो लड़ाई झगड़ा है कि नहीं? आज इंडिया चाइना का, इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई थोड़ा जमीन के लिए हो रहा है। तो वो क्या करता है, हर साल लगभग 40 किलोमीटर 10 किलोमीटर समुद्र को पीछे ढकेल देता है। मतलब जो ऑसन है, वो जो नॉर्थ सी वाला एरिया उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर के साथ, तो अटलांटिक महासागर के पानी को थोड़ा सा पीछे ढकेल देता है। उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है और एम्बैकमेंट लगा करके फिर वो ड्राई सी बनाया और वो उसको एग्रीकल्चर कर रहा है, फिर उसके बाद अगले साल फिर पीछे ढक लेता। तो इसमें तो किसी से लड़ाई नहीं हो रहा उसका ना, इसे महासागर का, अगर इंडियन ओशन का जमीन हम लेंगे तो मेरा लड़ाई किससे? तो उसकी टेक्नोलॉजी देखी, बट पूरे समुद्र का पानी भी तो नहीं सुखा सकते। तो आने वाले समय में आज से 100 साल के बाद 1000 साल के बाद कोई ऐसा चमत्कार तो जरूर होगा कि आपको मंगल ग्रह जाने में भी 6 घंटे का समय लगेगा, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। जैसे जिस समय में भी हवाई जहाज का आविष्कार हुआ होगा, तो आज आप रांची से दिल्ली 1.5 घंटे का सफर होता है, तो ट्रेन में तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। बट ऐसे भी टेक्नोलॉजी आ जाएंगे कि जिसमें आप को जब मन करेगा, अभी जहाज का भी जरूरत, आप मोबाइल टाइप का एक मशीन अपना रखे रहिएगा, आपको मन किया बटन दबाए आप अपने ऊपर उठ गए। क्लास करना है क्या फलना जगह में, वहां पर बटन दबाए नीचे तो ट्रैफिक ऊपर हो जाएगा। ऐसा मे बी बस आप बात करते हैं अमेरिका के लोगों को लाइट देखते हैं, ये सारी चीज संभव थी। अगर महाभारत जब आप देखते हैं तो उसमें संजय नाम का एक किरदार है जो सारी चीजों को धृतराष्ट्र को बताता है। तो ये सुनने में लगता था जब लोग महाभारत देख रहे थे, ये संभव है क्या, लोग ऐसे बोलते थे, संभव है क्या एक आदमी खड़ा होके यहां से देख रहा है कि हरियाणा में क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में, और वो झारखंड में बैठ करके बिहार, झारखंड में बैठ करके बिहार में बैठ करके कमेंट्री कर रहा है, ये पॉसिबल है क्या? बट आज का जो टेलीविजन चैनल्स है, जो आप मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ये क्या है? क्रिकेट मैच कहाँ हो रहा है, टोरंटो में, शारजा में, और वहां से आप देख रहे, तो संजय वाला ही ना कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप उसको लिंक करें तो चीज तो वही है। तो हो सकता आने वाले समय में जुपिटर ग्रह में कोई कॉलोनी मिल जाए तो लोग वहां जाने लगे। तो ये आप ह्यूमन रिसोर्स है, और इसलिए जैसे बहुत से ऐसे तर्क आते हैं हेलमेट आप पहन करके नहीं चलते, तो आपको लगता है कि अच्छा एक्सीडेंट होगा तो मेरा होगा, इसमें सरकार का क्या जाता है? आप क्वेश्चन पूछते हैं ना पुलिस से कि आपका क्या नुकसान है, हम मरेंगे, सीट बेल्ट हम नहीं लगाए हैं, तो अच्छा आपको तकलीफ क्यों है, हम क्यों फाइन देंगे, हम नहीं पहनेंगे। आप इसलिए फाइन दीजिएगा कि आपका जीवन आपका नहीं है, आप राष्ट्र के हैं और आप राष्ट्र के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो आपका जीवन बहुत कीमती है राष्ट्र के लिए, आपके लिए कीमती नहीं है लेकिन राष्ट्र के लिए कीमती है कि कल आप नौकरी में जाएंगे, कल आप बिजनेस करेंगे तो सरकार की संपत्ति को बढ़ावा देंगे, राष्ट्र निर्माण में आपकी हमारी जरूरत है, इसलिए आपको पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए। तो यहां पर आफ्टर डेथ भी गरिमा की बात की जा रही है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस जो क्वेश्चन में आया है वो लिखिए, इट ऑल्सो सेज अबाउट बेटर एनवायरमेंट। ए बेटर एनवायरमेंट दे रहा है आपको, इसकी बात करता है, बेटर हेल्थ,
बेटर एजुकेशन, इवन बेटर साउंड स्लीप, आपको अच्छा नींद लेने का अधिकार अधिकार। बाबा रामदेव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी व्यक्ति के नींद को नहीं छीन सकते, वो उसको लेने का अधिकार है। तो देखिए ये जो बेटर इन्वायरमेंट बोल रहा है, ये आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट बोलता है कि एक व्यक्ति को बेहतर पर्यावरण के साथ बेहतर स्वास्थ्य भी मिलना चाहिए। तो बेटर इन्वायरमेंट आप यहां पर आर्टिकल, अब देखिए यहां पर आप आर्टिकल 48 को जोड़िए। हम लोग आर्टिकल 21 पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, लेकिन उसको आप आर्टिकल 48 से जोड़िए, और अब आपको लगेगा कि आर्टिकल 48 कैसे फंडामेंटल राइट बन सकता है। तो आर्टिकल 21 और प्लस आर्टिकल 48A, जिसमें बोला जा रहा है कि पर्यावरण को बेहतर रखना है, ये दोनों को जोड़ दीजिए। हालांकि ये किसका भाग है, आर्टिकल 48 का भाग, डीपीएसपी का भाग है। तो ये डीपीएसपी का भाग है, तो डायरेक्टली तो हमको नहीं मिल सकता, क्योंकि आर्टिकल 37 क्या बोलता है बताइए, व्हाट इज आर्टिकल 37? जन कल्याण तो 38 में है, 37 में यस नो वन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट टू गेट द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम आर्टिकल 21 को तो लेके कोर्ट में जाएंगे ना। तो आर्टिकल 21 भी तो यही चीज बोला है, देन व्हाई इट इज गिवन इन द डायरेक्टिव? डायरेक्टिव क्या बोल रहा है? एक दिन ऐसा आएगा कि भारत के लोग सोचने वाले हो जाएंगे और वो देश के बारे, पर्यावरण के बारे सोचेंगे। देखिए आर्टिकल 48 ही बोलता है, हम आपको जबरदस्ती से ड्यूटी प्रणाम करना, प्रणाम करने के लिए कानून बना है कि आप अपना माँ पिताजी को, चाचा चाची को प्रणाम कीजिए। अगर मान लीजिए कि आप नहीं करें, अपना घर में चाचा के प्रणाम नहीं किए, तो क्या वो आपके ऊपर केस कर रहे हैं? इतनी रिकॉर्डिंग करेंगे तो देखिए अभी आ रहा है और ये वाला सबूत मैं कोर्ट में दे। तो ये ड्यूटी क्या है? ड्यूटी आपकी आशा है, एक्सपेक्टेशन है ना, आपसे एक आशा है ना कि आप देश के लिए भी सोचेंगे, भी तो आशा है। रेल हमारी संपत्ति है, रेल मेरी अपनी संपत्ति, तो इसको जो लोग बहुत सीरियसली ले लेते हैं वो पंखा उनको खोल के लेके चले जाते हैं जो बोलेगा तो कम पढ़े लिखे थे भैया, हमको तो ही समझ में आया कि मेरे पूर्वज का होगा, महाराज मेरा हालत खराब है तो लेके चले गए ये बेटर इन्वायरमेंट इसलिए रखा गया कि हम और आप तय करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देखिए हम स्वच्छ भारत चलाएं, तो हम अकेले नहीं करते, आपको भी सोचते कि अभी लोग क्या करते हैं, कचरा सारा पैक किए नाली में सामने डालते हैं, अपना घर ठीक है लेकिन बाहर भी तो आप ही ना निकल रहे हैं, और सब आपके जैसा दिख रहा है, सब आपके जैसा सोच रहा है, तो सारी रांची का हालत क्या है? कचरा का अंबार आप देखिए, जो कल हम लोग उस क्वेश्चन में डील कर रहे थे कि नीति आयोग इंडेक्स देता है, तो उसमें भी क्या होता होगा कि रांची जमशेदपुर धनबाद बोकारो में टीम आती होगी, टीम के लोग तो एसी कमरा वाले हैं, उनको बैठा दिया 5-star होटल में, तो वहां से एसी गाड़ी में बैठाया, फिर दूसरा 5-star में ले गया और जहां पर विधानसभा एरिया थोड़ा सा दिखा दिया और बोला देख लीजिए सर इतना सुंदर शहर कहीं देखे थे नंबर दे देता है। वो टीम अपने पैदल घूमे तब उसको पता चलेगा, ऑटो ले ले बिना किसी को बोले हुए, और वो सर्वेक्षण करे तो पता चलेगा पर्यावरण की स्थिति क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट इसको फोकस कर। तो यहां पर आगे लिखिए कि फॉर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम,
स्टेट हैज टू गिव, स्टेट हैज टू गिव वाटर एंड एयर पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। पर्यावरण को देखते हुए राज्य का यह कर्तव्य है कि वह जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को रोकने का कार्य करे। स्टेट हैज टू गिव वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन, ये राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो इसे दे। साथ ही साथ प्रत्येक नागरिक को प्राकृतिक आपदा से भी बचाए। इट इज अगेन द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द सिटीजन, टू प्रोटेक्ट द सिटीजन फ्रॉम नेचुरल हैजार्डस एक्टिविटी। अब देखिए यहां पर फिर एक आप लिंक करें ऐसे कि यहां बोल रहा है कि कोई भी अगर हैजार्डस एक्टिविटी होता है, अब इसको हम एनवायरमेंट से लिंक करते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण में सपोज कीजिए कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है कोई बताइए? पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी ये एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ये अगर 3-4 डिग्री बढ़ गया तो ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको आग जलाने की जरूरत है? पृथ्वी का तापमान कैसे लाएंगे? पेड़ काट दीजिए, सारा पेड़ काट देंगे। तो जैसे जैसे पेड़ कटेगा वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एनवायरमेंट में बढ़ जाएगी। सो इफ मोर विल बी द CO2, मोर विल बी द कैचिंग ऑफ एनर्जी रिटर्न बाय अर्थ। वो ज्यादा टेम्परेचर आने लगेगा और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगा और बर्फ पिघलेगा तो मीन सी लेवल ऊपर उठेगा, 70-80% देश डूब जाएगा। तो पेड़ काट रहे हम, नुकसान हो रहा है जापान को, नुकसान होगा श्रीलंका को, क्योंकि हम तो ऊपर है जानकर, हमारे तक पानी आते आते वो लोग आधा देश ऑस्ट्रेलिया डूब जाएगा, न्यूजीलैंड डूब जाएगा, नॉर्वे स्वीडन चला जाएगा, हम तो फिर भी बचे रहे। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग आया। देखिए इसी चीज को समझते हैं, चूंकि हर देश के संविधान में होगा ना, पर्यावरण की रक्षा सिर्फ भारत के लिए नहीं, सारे देश को करना। तो सारे देश जब करेंगे तो यहां पर इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आप देखते होंगे वर्ल्ड बैंक का प्रेशर है, IMF का प्रेशर है कि आपको पैसा दे रहे हैं तो पेड़ लगाइए, और हमको डेटा दिखाना रहता है कितना पेड़ लगाए। तो हैजार्डस टेम्परेचर बढ़ना या पॉल्यूशन बढ़ना, तो जब ये दोनों चीज होगा, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कोई ना कोई एपिडेमिक तैयार होगा, जैसे कोलरा फैल जाता है। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, अगर आप पानी गंदा पानी पीते हैं तो डायरिया और कोलरा जैसी बीमारी, हैजा, ये इस प्रकार की बीमारियां तेजी से फैल जाती। तो अब यहां पर जब ये दोनों चीज बढ़ेगा तो क्या होगा? डेथ शुरू हो जाएगा। जब डेथ शुरू होगा तो देखिए आर्टिकल नंबर 21 आपको क्या बोला है? फंडामेंटल राइट क्या है बोलिए? जीने की स्वतंत्रता। तो देखिए जैसी आपकी मृत्यु शुरू हो जाएगी, एक तो नेचुरल डेथ होता है, जैसी मृत्यु शुरू हो गया बीमारी से, आर्टिकल 21 हर आदमी का छीना जा रहा है, तो इसको बचाने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएगा।
और सुप्रीम कोर्ट तब क्या बोलेगी, इसको रोकिए, क्योंकि वही चीज आ गया, इसको बना लीजिए एक फ्लोट चार्ट जैसा। सबसे पहले आप हैजार्डस एक्टिविटी लिखिए, प्राकृतिक आपदा लिखिए और इसका कारण लिखिए, नेचुरल और पर्यावरणीय, आइदर नेचुरल और इन्वायरमेंटल, दो कारण लिखे नीचे तीर का निशान देखे। और उसके बाद इन्वायरमेंटल क्या क्या हो सकता है, आप वो लिखिए यहां पर, इन्वायरमेंटल क्या क्या हो सकता है, मतलब कि ये इन्वायरमेंटल में आप कारण लिखे, पॉल्यूशन हो सकता है लिखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे वहां पर पॉल्यूशन, कि पर्यावरण में पॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा लिखेंगे टेम्परेचर इंक्रीजमेंट हो सकता है, एग्जाम्पल लिखेंगे कोरोना, एग्जाम्पल लिखेंगे जो सांस वाली बीमारी हो, अस्थमा, वो लिख लीजिए। हाँ, कोलरा लिख लीजिए और उसके रिलेटेड बहुत सारे, से डेंगू, डेंगू का प्रकोप आ जाता है, मेनिनजाइटिस, जापानी बुखार शुरू हो जाता है, तो ये सारी चीजें पॉल्यूशन से तैयार हो, तो लिखेंगे कि इसके बाद आगे पित्री का निशान देंगे और इससे क्या होगा लिखे, तो बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाए अगर ये बीमारी फैल जाए, तो लिखेंगे दैट लीड्स टू मोर डेथ इन द कंट्री। सो इट वायलेट्स आर्टिकल 21, तो वहां नीचे लिखेंगे तीर का निशान दे करके कि आप आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 21 का ये उल्लंघन है, तो वायलेट कर। सो एज वी नो द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज मोर इंपोर्टेंट, आगे लिखेंगे उसी में कि जैसा कि हम जानते हैं कि जीने की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपकी जीने की स्वतंत्रता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर, अब उसको उसके पॉइंट से लिंक कर, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर बेहतर पर्यावरण और बेहतर स्वास्थ्य के लिए कानून बनाती है। सो सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम फ्रेम्स लॉ फॉर बेटर इन्वायरमेंट एंड बेटर हेल्थ। पैराग्राफ चेंज कीजिए, सो मेनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज देयर इन सुप्रीम कोर्ट फॉर क्रैकर्स, फॉर यूज ऑफ क्रैकर्स। सो वन कंट्रोवर्सी रेस्ड whether the ban is right or wrong,
कुछ वर्ष पहले से यह विवाद उत्पन्न हुआ, कि दीपावली में अथवा अन्य महोत्सव के समय, दीपावली में एवं अन्य महोत्सव के समय प्रयोग किया जाने वाला पटाखा सही है या गलत है। समय एगो बिफोर समय PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल इन सुप्रीम कोर्ट फॉर द यूज ऑफ क्रेकर्स ड्यूरिंग डिफरेंट फेस्टिवल और दीपावली, द बैन इज राइट और रॉन्ग। कुछ वक्त पहले जनहित याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई कि विभिन्न महोत्सव एवं दीपावली में प्रयोग किया जाने वाला पटाखा पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जन भावना से जुड़ी हुई यह समस्या है और जनमानस की संस्कृति को भी बचाना जरूरी है। कोर्ट से द मैटर इज रिलेटेड विथ कॉमन मैन इंटरेस्ट सो वी शुड प्रोटेक्ट द कल्चर ऑफ द कॉमन मैन। सर्वोच्च न्यायालय देखिए क्या बोल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय बोल रही है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर इसको रखे, जो भी आपने लिखा कि आर्टिकल 38 में था, और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसे ही जिक्र होगा तो समझना है कि इसको जबरदस्ती लागू नहीं करें। फंडामेंटल राइट को हम आपको दे करके रहेंगे, सरकार ये बोलती फंडामेंटल राइट मिलेगा आप छीन नहीं सकते, इसलिए देखिएगा आपके खान पान पर सरकार कोई रोक नहीं लगा सकती। कोई सरकार रोक लगाएगी कि अभी आज से झारखंड में दिल्ली में चाउमीन नहीं बिकेगा? ये आपको सिर्फ हम सलाह दे सकते हैं कि ये खाने से शरीर खराब होता है, कुरकुरे खाने से खराब होता है, लेकिन सरकार ऐसा बोल सकती है कि आज से नहीं बिकेगा? हाँ, फूडिंग हैबिट्स, कल्चरल हैबिट, वो आपका एक समाज का है, हम इसको नहीं जबरदस्ती कर सकते हैं। तो आर्टिकल 48 एज हो है, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है और केस 21 के दायरे में हुआ, जो 21 आप पढ़ रहे हैं, आपको जीने का अधिकार। और अगर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, तो ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है तो सांस की तकलीफ हो जाएगी दिल्ली में जो आप फेस कर रहे हो, तो इससे नुकसान कॉमन मैन को हो रहा है। लेकिन देखिए इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है, द प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद कॉमन मैन इंटरेस्ट एंड डिपेंड्स अपॉन द कल्चर ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, सो वी कांट से। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हम कंप्लीट रोक कभी नहीं लगा सकते, बकरीद में क्या बकरी काटने पर हमेशा के लिए रोक लगा सकते, क्या जलीकट्टू पर जो फूल की दौड़ होती है क्या उस पर रोक लगा सकते। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है
कि हम आपको स्वतंत्र कर रहे हैं कि आप सोचिए खुद के बारे में। तो जैसे पहले दुर्गा माता को बलि दिया जाता है हिंदुओं में, जब नवमी को उनको लगता है कि बलि हो, लेकिन अभी सांकेतिक बलि आ गए हैं, अभी जानवर की बलि के जगह पर बहुत से घर में आप देखेंगे लौकी भतुआ कोहड़ा इसका सांकेतिक बलि दिया, एक उसका बलि दिया। और कहीं ना कहीं जो बेजुबान जानवर हैं उनको प्रोटेक्शन मिला, क्योंकि आपने आर्टिकल 21 में एक चीज और लिखा है कि आपका एनिमल एग्जिस्टेंस और इट्स सर्वाइवल इज आल्सो इंपॉर्टेंट अंडर आर्टिकल 21। उनको भी आपको सर्वाइवल का अधिकार है, लेकिन ये चीजें कानून से ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रही है कि कानून से ज्यादा संस्कृति आपकी है। सो यू पीपल विल हैव टू थिंक अबाउट द कल्चर। क्या हमारा, एक जमाने में तो लोग ये भी बोलते थे, जो हम लोग जब छोटे बच्चे थे ये आप लोग सुने होंगे कि कहीं कोई पुल बनता था तो ऐसा, पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है, लेकिन बहुत हल्ला होता था कि घर से बाहर नहीं निकलना, लोग पकड़ के ले जाएगा और बलि दे देगा, और जब तक बलि नहीं पड़ता है तब तक पुल मजबूत है। ये क्या लॉजिक था। लेकिन आप सोचिए अगर ये रहा होगा तो कितनी बड़ी ये घटना, कोई भी बच्चा तब तक पकड़ा जाएगा। तो एक पुल, जितना पुल बनेगा उतना बलि देंगे, उतना पिलर में बलि देंगे, लेकिन साइंस के जमाने में ये चीजें मिथ्या साबित हुई। और ऐसा अगर रहता ये चीजें आज भी धड़ल्ले से चलती। तो लोगों की सोच को कभी कभी लोग अपनी संस्कृति बता देते, सोच हमारा है कैसा करना चाहिए, उसको हमने किससे जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया कल्चर से। तो जब सबरीवाला मंदिर का मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको कल्चर के हिसाब से आपके ऊपर छोड़ देते हैं, यू पीपल विल हैव टू थिंक। ये सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रही कि हम किसी चीज को संस्कृति के मामले में जबरदस्ती नहीं बोलेंगे। इसलिए कोरोना काल में इंजेक्शन लगाने को अगर किसी ने चैलेंज किया कि हम नहीं लगवाना चाहते, तो मेरा सरकार टेस्ट करा ले कि हमारा इम्यूनिटी कहाँ कमजोर है, तो सुप्रीम कोर्ट में उस व्यक्ति तो केस जीता। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में बोला कि वैक्सीनेशन जबरदस्ती नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कॉमन में इंटेंशनल से कल्चर, तो ये कल्चर क्या है, तो लिखिए कल्चर इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। एंड कल्चर क्या है, कल्चर एक विश्वास है, फेथ, और एक ट्रेडिशन, एक परंपरा, आपकी एक परंपरा है और आपका एक विश्वास है। संस्कृति आपकी एक विश्वास है और आपकी एक परंपरा। तो ये जो परंपरा है और ये जो विश्वास है, ये परंपरा और विश्वास को लेते हुए किसी को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। अब ये सोचिए कि आप अपना परंपरा निभाइए, अपना विश्वास लेकर के चलिए, लेकिन विदाउट हार्म एनी अदर, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना। सुप्रीम कोर्ट एक चीज बोल रही दीपावली में, तो बोल रही कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, जैसे आपके साथ कोई मजाक करता है तो आप धीरे धीरे गुस्सा होते हैं, ये क्या बोलते हैं, देखो अति मत करो, अब मेरा हर जवाब दे रहा है अभी से अगर कोई कुछ बोलेगा तो ठीक है, अब लास्ट में क्या होता है, चिल्लाने लगे। तो शुरू में वो मामला छोटा था, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है,
उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि शुरू में मामला छोटा होता है, आप खुद से सोच लीजिए। और बहुत ऐसी चीजें हमारे झारखंड में सिंदरा पर भी होता है, जिसमें जो पाहन राजा होते हैं उनको वेलकम करते हुए जंगल भेजा जाता है कि आपको जंगली जानवरों का सेंद्रा करके आना है। ये परंपरा उस समय शुरू हुई जिस समय जानवरों की संख्या ज्यादा नहीं होगी और वो आक्रमण करके लोगों को मार देते। तो एक उस प्रकार से चीजें आई, धार्मिक व्यवस्था हुआ। लेकिन आज के समय में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसका खोज निकाला है और आप देखिएगा, और इसको शिक्षित किया जा रहा है कि सिंदरा होगा क्योंकि हमारा धर्म है, हमारी परंपरा है। लेकिन जंगल में लोग क्या कर रहे, दो दिन पहले कुछ सुअर, कुछ मुर्गी और भी अन्य जानवर को छोड़ दिया। सरंडा के जंगलों में हमने देखा पिछले 4-5 वर्षों में। और इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम लाया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए कि जानवर एक्सटिंक्ट होने वाले, ये सीमित हो जाए, हमारे पर्यावरण पर इसका भार पड़ जाएगा। तो लोग समझ रहे हैं और लोग उसको क्या कर रहे हैं, परंपरा तो चल रहा है बट सांकेतिक किलिंग ऑफ एनिमल हो रहा है, वो भी सांकेतिक हो गया। तो परंपरा भी बच गया और कुछ महत्वपूर्ण जानवरों का जीवन भी बच गया। और ये हर धर्म में डिमांड अभी चल रहा है कि इस प्रकार की चीजें आनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कानून नहीं बना, इसको लोगों ने स्वयं से समझा। आप बहुत से जनजातियों में जाइएगा तो वो पहाड़ की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, जंगली जानवरों की पूजा करते हैं। तो जब आप उसको नष्ट करेंगे तो आप सोच वही है कि प्रकृति हमसे बदला लेगी। एक ज्योग्राफी में एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं स्टॉप एंड गो। तो ट्रैफिक सिग्नल में क्या स्टॉप एंड गो, ये ज्योग्राफी का एक वर्ड है जिसको नियो डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। इसका मतलब होता है नव नियति बाद, तो नियति मतलब क्या हो गया, क्लाइमेट। तो आपके जीवन में आपको लगता है कि आप बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत ताकतवर हैं, पहाड़ तोड़ सकते हैं, जंगल काट सकते हैं, वो तो कुछ नहीं बोलता ना पेड़। तो ज्योग्राफर बोलते हैं कि जलवायु से ज्यादा बड़े आप नहीं है, लेकिन आप बोलते हैं। तो ज्योग्राफर बोलते हैं कि आप जलवायु बोलता है आपको स्वेटर पहनो, अगर आप मई महीना में कहीं नहीं पहनते जैकेट स्वेटर मफलर बांध के निकलेंगे, मई जून में क्यों नहीं निकलते। अगर आप बड़े होते जलवायु से तो आप पहनते ना, अभी इसी मौसम में पूरा मफलर ऊपर बांध के आइएगा। तो जलवायु बड़ा, लेकिन ये क्या बोल रहा है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल, तो जब ट्रैफिक सिग्नल में रास्ता खाली होता तो हम लोग ग्रीन रखते हैं कि गो, और जब लगता है कि ट्रैफिक जाम होगा तो हम लोग उसको स्टॉप करते हैं। तो ये बोलता है कि जो लोग हैं, ह्यूमन बीइंग है, वो बहुत तेज स्वभाव के, वो क्या करते हैं कि पहले तो पेड़ काटते हैं और जब लगता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, तो क्या करते हैं स्टॉप, और फिर बोलते हैं पेड़ लगाना शुरू करो। अभी आप देखिए, पहले तो सारा पेड़ पूरे वर्ल्ड ने काट दिया और अब शिक्षा दे रहे हैं कि जन्मदिन पे पेड़ लगाना चाहिए, 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती, इस पर आप कम से कम एक पेड़ जरूर लगाइए। तो पहले तो पेड़ काटे, तो पहले हमने क्या किया, गो, बिल्डिंग बनाना है तो
काट दिए, तो जहां जहां पर्यावरण, अभी बीच में जब कोरोना फैला तो देखिएगा अचानक से लोग बोले कि नहीं अभी जानवरों को का अभी मांस मछली नहीं खाना, चमगादड़ से फैल गया, इससे फैल गया, कभी कभी चिकन में भी फ्लू बर्ड फ्लू फैल जाए, तो इतना ज्यादा फिर जैसे फैल जाता था बोलते नहीं खाने नहीं स्टॉप कर दिए ना। तो इसलिए ज्योग्राफी में एक सिद्धांत होता है जिसको नव नियति बाद बोलते कि स्टॉप एंड गो, मतलब मनुष्य जो है इसी स्वभाव का है, खेती करना शुरू कर और जब उसको लगता है कि दलदल जमीन हो गया पंजाब में, पंजाब में देखिए बहुत इरिगेशन हुआ और जब दलदल जमीन हो गया तो क्या करते हैं कि इसका इसका दलदल सुखाने के लिए खेती रुकना हो तो हमने स्टॉप कर दिया। फिर फैलो लैंड का कॉन्सेप्ट लाया कि एक साल एक खेत को खाली रखना, तो हर जगह पर आप देखिए कि कोई भी चीज करते करते मानो क्या करता है कि वापस लौट जाता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हम आपकी भावना को ट्रेडिशन को फेथ को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, उसका सम्मान करेंगे और आप खुद से डिसाइड कर लीजिए। आगे लिखिए सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो से फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ some law and rules and regulation is already given. जीवन की रक्षा के लिए कुछ नियम पूर्व में बनाए गए हैं। दिल्ली में 10 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक पटाखा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। No crackers will use in Delhi in between 10 p.m. to 6 a.m. 10 p.m. to 6 a.m. In 2022 in the appeal of Manoj Tiwari